देख सकते हो मेरे पीछे जो स्टोन का जो कलाकारी है कितना मस्त है। आजकल जैसे मशीन में हो रहा है, लेकिन ये तो बहुत ओल्ड टेम्पल है। आप देख सकते हो पहले हाथ से पत्थर को मतलब तोड़ के बनाया हुआ है, कितना मस्त है। और सिंगल स्टोन का वार्क है। अभी एक्चुअली ब्रेकफास्ट थोड़ा करके फिर निकलते आगे, क्योंकि भूख लग रहा है। अभी अराउंड 9:30 हो रहा है। थोड़ा खाना खा के फिर निकलते हैं आगे का वीडियो में दिखाता हूँ। आज का जो प्लान है सडन प्लान हो गया, कुछ डिसाइड नहीं था, तो 8 o'clock का हम लोग स्टार्ट किए। तो अभी ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं। तो अभी एक्चुअली ब्रेकफास्ट चल रहा है ओडीक्यू होटल में। फाइनली ब्रेकफास्ट हो गया, तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट के बाद अभी हमको जाना है और 120 किलोमीटर। सनवाइज टायर फील हो रहा है? नहीं, टायर फील क्या, 10-12 किलोमीटर चला है, टायर फील होगा पहुंचने के बाद। सही है, जस्ट चिल एंड एंजॉय द ट्रिप। और ब्लॉगर कुछ बोलना है? नहीं बोलना। जय जगन्नाथ बोल, जय जगन्नाथ बोल दो। जय जगन्नाथ। तो चलते हैं फिर भगवान का नाम लेके। एक्चुअली भगवान का प्लेस भी जा रहे हैं हम लोग। तो 3 प्लेस मतलब स्पॉटेड हुआ है, उसमें से 2 स्पॉट भगवान का प्लेस है और एक लेक कुछ है। बट ऑन द रोड तीनों प्लेस ही कवर करने का प्लान है आज। देखेंगे वहाँ से कितना दूर लगता है और गूगल कितना हेल्प करता है हमको, और कुछ स्पॉट अगर कवर कर पाएंगे शाम तक। एक्चुअली हमारा प्लान नहीं था आज, मतलब जाने का प्लान था ये कोटिलिंग से जाना था, बट उसके नियर बाय कोई अच्छा स्पॉट नहीं है। तो हमको क्या लगा कि बेस्ट होगा थोड़ा नया जगह जाते हैं जहाँ पे 2-3 चीजें देख सकते हैं। और सबसे अच्छा वाला बात है कि हम कोटिलिंगेश्वर भी हालांकि खराब जगह नहीं है, मतलब देखने वाला जगह है, लेकिन विल प्लान नेक्स्ट टाइम। हाँ, लेकिन प्लान नेक्स्ट टाइम। और एक चीज क्या है, हम मैं और सानू भाई को पता था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बाकी लोग को पता नहीं था। उन लोग को सरप्राइज मिला उनको, क्योंकि हम लोग रात को 12 बजे डिसाइड किया कि हम ये जाना है, मतलब जगह प्लान ही था कोटिलिंगेश्वर का, पर लेपैक्स एंड मोमेंट पे चेंज हुआ। तो इसके बारे में कुछ बोलना है मैडम? कुछ भी नहीं बोलना, सिर्फ एंजॉय करना है बस। कैसा लगा? कुछ पता ही नहीं था आप, मतलब नया जगह जा रहे हैं। वो जगह का खासियत पता है ना, वो टेंपल का थोड़ा सा खासियत बोल देते हैं। भी दिखाएंगे था क्या भाई? बट वहाँ पे खासियत क्या है, वहाँ पे जो पिलर है वो पिलर ऊपर से आएंगे, मतलब नॉर्मली जो आर्किटेक्चर जितना भी टेंपल का रहता है नीचे से पिलर खड़ा रहता है, वो पिलर सीलिंग से लेके नीचे तक है। और ये जगह आगे जगह थोड़ा स्पॉट करो। और एक चीज है, ये जगह लास्ट टाइम हमने यहाँ पे फोटोशूट किए थे और खींच मेरा फोटो करने का भाई रील हुआ था। तो सेम जगह हम क्रॉस करके फिर जा रहे हैं और अभी कोई प्लान नहीं है इधर उतरने का। हाँ, कोई प्लान नहीं है, कोई चांस भी नहीं है, चांस ही नहीं है। प्लान बनाएंगे तो अच्छा रहेंगे क्या? आदमी वही गाड़ी वही सेम चीज सेम जगह और क्या मजा आएगा। लेकिन वो प्लान है ना, आज का डिक्शनरी में नहीं है। हाँ बस लॉलीपॉप भी मिसिंग है, लॉलीपॉप मिसिंग है बस। और अनिक फीलिंग बेटर? Hi guys. तो अभी चलते हैं आगे, क्योंकि ज्यादा बात करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, मजाक मस्ती होता रहेगा। आगे जाएंगे, आगे का प्लान देखेंगे। मुझे एक्चुअली नींद आ रहा है, रात को 3 ब्लॉग एडिट करके सोया था 3 बजे को, तो फिलहाल थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। चलो मिलते हैं आगे। ये जो है लिपाक्षी का मेन गेट, जो मेन एंट्रेंस यहीं पे है, यहाँ से अराउंड 16 किलोमीटर है डिस्टेंस। तो ये जो है मेन एंट्रेंस है। हाय, कम द
टेम्पल जाने के पहले एक आपको स्टेचू मिलेगा और एक पार्क मिलेगा, तो आप पहले पार्क में थोड़ा घूम के फिर टेम्पल जाना चाहिए क्योंकि टेम्पल पहले आएगा। और पार्क के अपोजिट जो ईगल का जो आप देख सकते हो मेरे पीछे ईगल का जो है स्टेचू उधर है, वहाँ पे जाके थोड़ा घूम के आ सकते हो, लेकिन वॉकिंग जाना पड़ेगा, बाइक उधर क्या कार भी नहीं जाएगा उधर। तो देख सकते हो बाहर से भी लोग इधर, बहुत लोग आते हैं, मतलब इंडिया के बाहर भी लोग इधर आते हैं, आप देख सकते हो। और एक क्यूट सा लेक भी है, आप देख सकते हो छोटा सा है। बहुत छोटा है बट काफी अच्छा है। बाइक 10 रुपीस, कार 50 रुपीस। तो आप देख सकते हो कुछ कुछ शॉपिंग करने के लिए है, शॉपिंग मॉल नहीं है, शॉपिंग के लिए शॉपिंग स्टोर है। और टेम्पल जो देख सकते हो सामने टेम्पल है, और पार्किंग जो है यहीं पे कहीं पे भी पार्किंग कर सकते हो क्योंकि पार्किंग एरिया सामने जो है पार्किंग है, मतलब बाहर रखने के लिए कोई भी कुछ प्लेस नहीं है ऐसा रखने के लिए पार्किंग एरिया, बट पे करना पड़ेगा 50 रुपीज। तो ऊपर जाने के लिए स्टेप्स है, आप देख सकते हो। कैमरा अलाउड है कि नहीं मैं पता नहीं मुझे, अंदर जाने के बाद पता चलेगा। जिसको पढ़ना है फर्स्ट डाल के पढ़ सकते हो। एंट्रेंस के बाद कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो। दूर जा रही अभी जो है टेम्पल के अंदर एंट्री कर रहा हूँ, आप देख सकते हो उसका जो पिलर देखो कितना मस्त है। खाली पिलर ही पिलर है चारों तरफ। आप देख सकते हो जो अंदर का जो व्यू है कितना मस्त है। और इधर बाहर इतना गर्मी है, सनलाइट ज़्यादा है, फिर भी अंदर आने के बाद इतना ऐसा लग रहा है कि ऐसे चल रहा है अंदर, बहुत कोल्ड एंड फाइन फील हो रहा है। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो स्टोन का जो कलाकारी है कितना मस्त है। आजकल जैसे मशीन में हो रहा है, लेकिन ये तो बहुत ओल्ड टेम्पल है। आप देख सकते हो पहले हाथ से पत्थर को मतलब तोड़ के बनाया हुआ है, कितना मस्त है। और सिंगल स्टोन का वर्क है, इसको सिंगल स्टोन में बनाया गया है, कितना केयरफुली बनाया गया है, इतना ब्यूटीफुली आर्किटेक्ट बनाया हुआ है। और एक चीज देख सकते हो ऊपर जो है कुछ पेंटिंग किया हुआ है, कैमरा में भी रिकॉर्ड हो पाएगा कि नहीं पता नहीं, शायद कुछ मतलब में ये बाद में जो क्योंकि उतना क्लैरिटी नहीं होता तो ठीक से नहीं दिख रहा। तो अभी मैं टेम्पल के अंदर चलता हूँ और टेम्पल के अंदर जाके थोड़ा भगवान दर्शन करके फिर मैं बाहर आता हूँ। Thank you.
जाओ जो फट इधर कुछ ना जा पैसा लेट दे दो बेटी कोल्डा पर जा जा बेटी आज ते जो तो जाते हैं इधर दिखा नहीं दे काई ऑन ऑन केम थे अब ऑन केम थे मार से दे अच्छा कोले हुआ ते दे बोलते सर ऑन केम थे अब ऑन केम थे अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा नवग्रह ये सही का लिंक बहुत है अंदर आर्किटेक्चर बहुत लिंक बहुत यहाँ पे एक्चुअली क्या है चारों तरफ स्टोन का काम हुआ है इधर आप देख सकते हो और इसका जो हिस्ट्री है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप पढ़ सकते हो और देख सकते हो चारों तरफ पर स्टोन वर्क हुआ है काफ़ी अच्छा से बनाया हुआ है तो ज़्यादा कुछ है नहीं बट टेंपल के पास आए तो बस टेंपल का कुछ नज़ारा मिलेगा इधर फोटोग्राफर फ्रॉम उगांडा हमारा फोटोग्राफर उगांडा से है ये जो आप देख रहे हैं जो हमारे पीछे जो जो स्कल्पचर है शिव जी का जो लिंग है और उसके ऊपर ये आप देख सकते हैं सात सर वाला जो नाग देवता है उनको तो ये लेपाक जी का मेन जो स्ट्रक्चर है यही लेपाक जी का मतलब मेन शिवलिंग जो है यहाँ पे ये आउटसाइड में है हालांकि अंदर जो मूर्ति है वो मेन पूजा का जो देवता है पर यहाँ पे ये शिव जी यहाँ पे भी पूजा होता है यहाँ पे देख सकते हो हनुमान जी का मूर्ति यहाँ पे स्थापना किया हुआ है और
यहाँ पे राइट साइड का जो उनका फुटप्रिंट भी है देख सकते हो, बहुत अच्छा तरीके से बनाया हुआ है सब कुछ। क्या कुंडाइस मंकीज आर वेरी फ्रेंडली। And big monkey. आप लोग देख सकते हो मुझे ये मंकी जो कि उसके उनके जैसे दिख रहे हैं। आप देख सकते हो बड़ा मंकी से लेके छोटा मंकी सब इधर है, देख सकते हो, देखो और बड़ा मंकी का बेबी इधर है, देखो बेबी मम्मी इधर है, देखो हाय बेबी, देखो मम्मी इधर है, मम्मी के पास आ जाओ बेबा, बेटा मम्मी के पास आ जाओ, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत शॉपिंग के लिए मतलब टॉयज वगैरह लेने के लिए है, देख सकते हो